ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कुछ दिक्कत है? अरे कुछ नहीं होता, तो ऐसी दरकार नहीं क्योंकि बाहर बसे ऐसे चला लगे। हाँ क्यों चली जाए बाहर? बोला हमारे ऐसे सज जाए स्वाभाविक हवा से। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु भय वच पतितानांग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
ब्रह्म बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा। कहते वैष्णव का इतना महिमा है, गंगा भी स्वयं जिनका स्पर्श को वांछा करती हैं। इसलिए कहते गंगा का स्पर्श होने से जीव का कल्याण होता है, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। कहते दर्शन मात्र की अबल जैसाम संस्परणात पुंसांग सत्य सुधंती वही गृह। बोले जिनको केवल स्मरण मात्र से ही है, जिसका केवल स्मरण मात्र से ही क्या होता है, कहते हैं पुंसा सद्य सुधंति वही गृह। कहते उसी समय में ही जीव पवित्र हो जाते हैं और शुद्धता को प्राप्त करते हैं और उनका गृह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए फिर उनकी दर्शन की बात छोड़ दो, फिर उनके चरण की सेवा की बात छोड़ दो। इसलिए हम लोग रोज क्या करते हैं, सवेरे सवेरे वैष्णव का जय ध्वनि देते हैं। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधर्विका गिरधारी जी श्री राधा विनोद विहारी जी की जय। नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए हम लोग रोज रोज वैष्णव का जय ध्वनि देते हैं। क्यों? वैष्णव का स्मरण मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं, हैं? अगर किसको ऊपर में कोई डाकुओं का कोई आक्रमण हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, पुलिस का मदद लेते हैं। पुलिस पुलिस करके जोर जोर से पुकारते हैं, हैं? और पुलिस आते ही डाकू सबके सब वहां से भाग जाते हैं, वहां से देते। इसलिए डाकू सबके सब भाग जाते हैं। कहते ठीक उसी तरह जब कहते भक्ति जगत में ये डाकू कौन है, भक्ति जगत में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सबके सब ये डाकू है, हैं? ये सबके सब ये डाकू है, हैं? इसलिए लेकिन इसमें पुलिस लोग कौन है? इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जो पुलिस लोग है ना, कहते हमारी गुरु वर्ग है। इसलिए जिस समय हमारे हृदय में ये काम क्रोध आए, कहते उस समय में क्या करनी चाहिए, बोले जोर जोर से गुरु वैष्णव को स्मरण करो। जोर जोर से गुरु वैष्णव को जोर जोर से स्मरण करके बुलाओ। जब गुरु वैष्णव को याद करेंगे, गुरु वैष्णव और उनका वो अभिनव उनका स्मरण करते ही वो झट वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे अजामिल ने नारायण केवल उन्हें चार अक्षर उच्चारण करते ही वहीं पर विष्णुदत्त प्रकट हो गए, नाम उच्चारण कर मात्र से ही। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये हमारे जो गुरु वर्ग है ना, सब नित्य सिद्ध परिकर है, हैं? ये सब के सब नित्य सिद्ध भगवान की परिकर, ये सर्वत्र विद्यमान है, हैं? ये सर्वत्र विद्यमान, कहीं भी उनका स्मरण करो, स्मरण करते ही झट वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट होकर के हमें ये डाकुओं से हमें रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते जैसा हम संस्मरणात पुंसांग, कहते वैष्णवों का केवल स्मरण करने का मात्र से ही, कहते स्मरण नहीं कहते संस्मरणात। बोले संस्मरणात मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है एक तो होता है ऊपर से तो बुलाना और एक होता है अंदर से बुलाना। अभी निर्भर करता है, अभी हम ऊपर से बुला रहे हैं ना, अंदर अंदर से बुला रहे हैं, ये अभी निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर ये निर्भर करता है। अगर हृदय से अगर वैष्णव का स्मरण कर तो जरूर वैष्णव लोग आकर के हमें रक्षा करते हैं। इसलिए
हाँ, इसलिए जितने तीर्थ देवता ये लोग क्या करते हैं, कहते ये लोग बड़ी कल्याण तो करते हैं, भगवान कल्याण तो करते हैं, ठाकुर तो कल्याण करते हैं, तीर्थ तो कल्याण करता है, लेकिन बहुत देर से ये जीवों का कल्याण करते हैं। लेकिन वैष्णव लोग कहते वैष्णव लोग तत्क्षणात् वैष्णव लोग उसी समय में ही बोले ते पुनंति उरु काले न दर्शन देव साधवा, कहते वो लोग तो बड़ी देर से कल्याण करते हैं, लेकिन वैष्णव वास दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण कर देते हैं। बोले क्यों, कहते अगर हम किसी गलत रास्ता पर फंस रहे हैं, वैष्णव लोग हमको वहां से बचा लेते हैं, वहां से हमें बचा लेते हैं, शासन के द्वारा उपदेश के द्वारा वैष्णव लोग हमें बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे, बोले मैया अगर तुम कल्याण चाहते हो, हैं कल्याण चाहते हो, क्या करो, मेरे भक्तों का तुम संग करो, हैं मेरे भक्तों का संग करो, मेरे भक्तों का संग के बगैर जीव का कल्याण का कोई भी उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है वैष्णव का संग। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्री कह और लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए यहाँ पर साधु संघ की बड़ी महिमा, इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन दास ठाकुर कितने ग्रंथों से हैं, अगर यहाँ से तुम लोग श्लोक इकट्ठे करोगे ना, अभी तो बहुत सारे श्लोक याद कर रहे हो, जो श्लोक वहाँ पर दिया गया जो गौड़ीय कंठहर से, यही सब चैतन्य भागवत से चैतन्य चरितामृत से श्री वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद ने जिन जिन श्लोकों को यहाँ पर उद्धृत किया है वही सब श्लोक गौड़ीय कंठहर में उसको संग्रहित करके गौड़ीय कंठहर में दिया गया। इसलिए गौड़ीय, इसलिए उसका नाम रखे गौड़ीय कंठहार। कंठहार मतलब क्या है, जैसे गले में हम हार पहनते हैं, जैसे गले में तुलसी कंठी पहनते हैं, हर समय ये तुलसी कंठी हमारी वैष्णव का कंठ का हार क्या है, तुलसी रम माला क्या है, जयपुर नाचार क्या है, हाँ क्या, अरे पहले क्या बोलो ना, पहले उसका तुलसी रहार नापड़े जेचार जमा लय बासतार तिलक सेवन नाकर जेजन वृथाय जीवन तार। इसलिए जैसे हम लोग गले में तुलसी कंठी धारण करते हैं, कहते ठीक उसी तरह कहती जो गौड़ीय कंठार जो ग्रंथ है, इसलिए मेरे गुरुदेव जब आए गुरुदेव तब उन्होंने बोले थे कि गौड़ीय कंठार श्लोक भी याद करा, याद करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रंथों से बहुत सारे ग्रंथ से प्रभुपाद का समय में भक्त लोगों ने उद्धृत करके सारे तत्वों को कोशिश किया, सारे तत्वों को वहां पर देने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों से श्लोकों को यहाँ पर कोटेशन करके वैष्णव का दर्शन स्पर्शन और उनका संग की महिमा बताए। अभी बता रहे हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु के ऊपर में उन्होंने कैसे कृपा की, क्योंकि महाप्रभु विष्णु के खटिया के ऊपर बैठे हुए और बैठ कर क्या कर रहे हैं, एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनकी मन अभिष्ट और उनको पहले पहले इनका जीवन में क्या क्या चीज बीती है वो एक एक चीज को यहाँ पर उन्होंने स्मरण करा रहे। इसलिए स्मरण कराते कराते यहाँ पर अद्वैत को बोले सुना सुना आचार्य तुम्हारे निशा भागे भोजन कराई लो आमी ताहा मन जागे, हैं कहते हे अद्वैत आचार्य तुम्हारे याद है, बोले किस चीज की, कहते रात में एक दिन तुमने भोजन करना छोड़ दिया था, बोले कब भोजन तुमने छोड़ दिया था, बोले एक समय ये अद्वैत आचार्य अनुपम तुम क्यों क्या कर रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो, उसको पास में सब क्या देख रहे, खुद तो लिखते नहीं उसको देख रहे, तुम लिख जो ना तुम सब देखो जो, इसलिए इधर देखो। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं बोले तुम्हारी याद है, बोले किस चीज की याद है, अद्वैत आचार्य कहते जो गीता भागवत जो कुछ व्याख्या करते थे सबके सब भक्ति परक व्याख्या करते थे, इसलिए वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आद्या बंते च मध्य च हरि सर्वत्र गिरियत, जितने वेद पुराण उपनिषद को देखो
लेकिन आप पहले और बीच में और अंत में भक्ति को छोड़ करके और कुछ चीज है ही नहीं। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्ति छाड़ियार जिहार बखाने से अधम शास्त्र मर्म नहीं जाने। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्र को है भक्ति परक भागवत को पढ़ करके भक्ति परक व्याख्या नहीं करते हैं, बोले से अधम शास्त्र मर्म कभू ना जाने। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वो अधम है, वो शास्त्र का मर्म को नहीं जानता है। इसलिए सारे शास्त्र केवल भक्ति परक, केवल भक्ति को ही लक्ष्य करता है, भक्ति छोड़ कर और कुछ भी शास्त्र लक्ष्य नहीं करता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, अद्वैत आचार्य क्या करते, गीता पढ़ाया करते थे और सब कुछ वो भक्ति पूर्व परक व्याख्या करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने गीता पढ़ते पढ़ते किसी एक श्लोक को पढ़े, लेकिन उसका अर्थों को उन्होंने समझ नहीं पाए। लेकिन जब समझ नहीं पाए, अद्वैत आचार्य ने उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। जब भोजन करना छोड़ दिया, उपवास में रहे, भले जब मैं समझ नहीं पाया गीता का तात्पर्य, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। इसका तात्पर्य क्या है भैया, ये मत समझो हमने संस्कृत पढ़ लिया, हमारी बहुत सारी डिग्री है, हैं? इसलिए संस्कृत की विद्वता से मैं शास्त्र समझ लूंगा, ये एकदम ये नहीं नहीं सोचनी चाहिए, हैं? और नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग भी शास्त्र पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं। ज्यादा करके देखो जितने विद्वान है, जितने विद्वान देखोगे, हमारे मथुरा में एक सप्त तीर्थ था, एक तीर्थ करते करते एकदम हिमशिम खा जाते हैं। एक तीर्थ सप्त तीर्थ, सात सब्जेक्ट पर उन्होंने तीर्थ था, इतने बड़े विद्वान है। लेकिन वो क्या करते थे, जब किसी मायावादी को पास में जाएंगे उनके मन का अनुरूप बात करेंगे, जब किसी कर्मी को पास में जाएंगे उनके अनुरूप बात करेंगे, जब भक्तों को पास में जाएंगे भक्तों के अनुरूप बात करेंगे। अभी कथा आएगी खड़ जाटिया, इसलिए वो जिसको पास में जाता था ना, इसलिए वहां पर कि जो आपको पता होगा एक संप्रदाय है जो स्वामी नारायण के संप्रदाय है, वो स्वामी नारायण को भगवान मानते हैं। उन्होंने क्या किया, उनको है उनको स्तुति बना दिया, उनको भगवान रूप में स्थापन कर दिया। मतलब उन्होंने आए कुछ पैसा दिए उनके संप्रदाय के लोग, बोले हमारे स्वामी नारायण को इस वेद है, इसलिए कुछ श्लोक उनके लिए बना दो जैसे भगवान है, बना दिए उनको भगवान रूप में, उनको श्लोक बना दिया वेद से उठा कर। इसलिए बड़े बड़े, इसलिए महाप्रभु कहते हैं बड़े बड़े लोग जो विद्वान हैं, कभी शास्त्र का मर्म नहीं जानते। पहले मैंने बताया था ना, हमारे गुरुदेव ने जब ये वेदांत सूत्र उपनिषद गीता को उन्होंने प्रकाशित किया, जिनसे किया उसी समय यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, उनके जैसे बड़े विद्वान कोई नहीं थे, पृथ्वी में कोई नहीं थे, इतने बड़ा विद्वान था। क्योंकि गुरुदेव ने उनको द्वारा प्रूफ रीडिंग करवाया था संस्कृत का, जब सारे ग्रंथों को समाप्त हो गया ना, गुरु जी ने पूछा, बोले पंडित जी आपका समझ में क्या आया है, बोले मैया देवी ही सब कुछ है। गुरु जी कथा में कहते थे मैया ही जगत में सब कुछ, माँ देवी ही सब कुछ है। गुरुदेव कहते थे ये जितने विद्वान है ना, बुद्धि सबके सब भ्रमित है, हैं भ्रमित है। एक व्यक्ति गौड़िया मठ में आया, बोले मैंने इतना दिन रह गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। बोले कुछ भी नहीं हुआ, बोले नहीं, बोले इतने चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक याद ही नहीं, बोला ये श्लोक तो मेरी याद है। बोले इसका मतलब क्या है, बोले कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, और जितने देवादेवी सबके सब उनका अंश है, और जितने अवतार उनका सब प्रकाश है, कोई अंश कोई कला, लेकिन कृष्ण भगवान। बोले बस इतना समझ गया, मतलब है तुमने ये वेद वेदांत पुराण जितना शास्त्र तुमने पढ़ लिया है, इतना ही लोग सारे ग्रंथ पढ़ करके लोग इतनी सी बात ही समझ में नहीं आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आता। इतना अगर समझ में आ गया ना, बस गौड़ियों मठ में आना तुम्हारी सार्थकता हो गया है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी ये चीज को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर अद्वैत आचार्य जैसे व्यक्ति जो सदाशिव महाविष्णु, वो कहते हैं गीता को, वो भी गीता को समझ नहीं पाते थे, उन्होंने शिक्षा दिया है, हैं? इसलिए कभी कभी महाप्रभु, एक बार तुमने उपवास कर लिया, उपवास करके तुमने भोजन भजन करना
तुमने छोड़ दिया, जब भजन करना तुमने छोड़ दिया, उसी समय में मैं रात में तुम्हारे पास में आया और आकर के मैंने समझाया। देख अद्वैत आचार्य, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। जब उन्हें समझाया फिर अद्वैत आचार्य उन्होंने भजन किया, तो महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हें पता है किसने आकर के तुमको समझाया था? मैंने आकर के तुमको समझाया था हैं? इसलिए महाप्रभु बोले तुमको एक गुप्त बात बताता हूँ हैं, जिसको सुनकर तुमको याद आएगा। बोले वेद का एक मंत्र है, सर्वत्र पाणिपाद दंत सर्वत्र, ये श्लोक है। कहते ये श्लोक को कहते अपना अपना, जैसे ब्रह्मवादी जो भगवान को निराकार मानने वाले, ये श्लोक को पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप में भगवान को निराकार निर्विशेष रूप में स्थापन करते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य कभी उन्होंने ये चीज को समझ नहीं पाए। महाप्रभु कहते तुमको याद है ये श्लोक को, तात्पर्य आकर के मैंने तुमको समझाया था, ये गुप्त बात बता रहा हूँ। बोले प्रभु आप ही बताए थे। बोले मैंने तो बताया था। फिर तो महाप्रभु का चरण में लौट पोट खाने गए लग गए। बोले अद्वैत तुम्हारी वजह से मैंने इस जगत में आया है। इसलिए अद्वैत आचार्य को क्या कहते हैं? ये गौरव आना ये ठाकुर। इसलिए कहते हैं दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। इसलिए जब अद्वैत आचार्य पर कृपा की, उसके बाद में उन्होंने मुकुंद को बर में कृपा की है। महाप्रभु विष्णु की खटिया के ऊपर बैठे हुए और एक एक भक्तों को बुला बुला करके महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन ये सबको तो बुला रहे थे, लेकिन एक भक्तों को बुला ही नहीं रहे थे हैं। कहते वो कौन है? बोले मुकुंद अक्षय अंत पटेर बाहिरे, सम्मुख है ते शक्ति मुकुंद नाधरे। मुकुंद क्या कर रहा है? गेट के बाहर में खड़े हुए, लेकिन महाप्रभु बुला नहीं रहे हैं और उनको हिम्मत भी नहीं हो रहा है महाप्रभु के पास में आए और उनको दर्शन करे। इतने में श्रीवास पंडित ने महाप्रभु से प्रार्थना किया। बोले प्रभु जी अब तो सबको ऊपर में कृपा कर रहे हो, लेकिन ये मुकुंद को क्यों नहीं बुला रहे? ये मुकुंद को तो बुलाओ, ये तो आपके सबसे प्रिय भक्त है। क्योंकि मुकुंद का जो गला है ना, संजय मुकुंद आदि, संजय मुकुंद संजय जी गाय, हम बोलते ना हाँ बासु, संजय मुकुंद बासु भोसा आदि गाय। इसलिए जब महाप्रभु का आरती करते हैं कहते उसमें कौन कौन गाते हैं? संजय मुकुंद बासु घोष, कहते ये सब के सब आरती महाप्रभु गाते हैं। मुकुंद इतने सुंदर, मुकुंद की गला है, इतने सुंदर गला था श्री मुकुंद का। इसलिए जिसकी कीर्तन सुन करके महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो जाते थे। इसलिए कहते सर्वगुण संपन्न है। इतने में श्रीवास पंडित ने महाप्रभु से बोले प्रभु आप क्या मुकुंद को बुलाओगे नहीं हैं? अगर उसने कोई अपराध किया है उसको दंड दो। लेकिन मुकुंद तो आपका अत्यंत प्रिय भक्त है, उनको भी बुला करके आप उनको पर में आशीर्वाद दो सर्वगुण संपन्न। इतने में महाप्रभु बोले बोले क्षण दंत तृण लय क्षण जाष्टि मारे हैं। इसलिए बोले वो जो मुकुंद है ना, हम उसको पर कृपा नहीं करेंगे। क्यों? वो खड़ झाटिया। क्या बोले? खड़ झाटिया। कहते क्षण तृण, हाँ खड़ मतलब होता है घास। कभी कभी दांत में तो घास ले लेता है, घास ले लेता है मतलब क्या? कहते वो जिस दल में जाता है ना, वो भैंसे बन जाता था। जब वो भक्तों के दल में जाता था, भक्तों से प्यार पाने के लिए क्या करता था? जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव कौन है? भगवान के हम नित्य दास है। तो भृत्य से भृत्य, हम तो भगवान की सेवक है। दासानुदास भवितास में भूव, हे प्रभु हम आपकी दासों के मैं अनुदास हूँ। भक्तों से आदर पाने के लिए जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कीर्तन करते हैं ना। क्या कीर्तन करते हैं? हाँ क्या कीर्तन बोलो? दंते तृण करी दाड़ा इव
डिस्कवर्ड क्या आप कौन सा भजन है? कवि श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कवि आमी पाई बाबई स्नाव पद छाया, कल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंत त्रीण धरि दाड़ा एव निष्कपटे। इसलिए कहते ये वैष्णव का ये लक्षण है। वैष्णव क्या करते हैं? गले में गलबहनिया देकर, गलबहनिया मतलब क्या है? दीनहीन। जैसे कृष्ण रास को अंत में जब गोपियों ने गोपी गीत गाए, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बर धर सर्गी सख्यात मनमत मनमत। भगवान ने क्या किया? जब गोपियों ने गोपी गीत गाई, कृष्ण स्वयं गले में गलबहनिया लगा करके ऐसे करते हुए, गलबहनिया मतलब क्या है? संपूर्ण रूप में तुम्हारी में अधीन हो। जैसे कोई व्यक्ति गांव में जब मीटिंग होता था ना, जो गांव में किसका दोस्त होता था वो क्या करता था? गले में वस्त्र। इसलिए हम लोग गले में, हाँ, ब्रह्मचारियों को गले में गल वस्त्र देनी चाहिए, गल वस्त्र के बगैर नहीं रहनी चाहिए, ये नियम है। गल वस्त्र जरूर गले में रहनी चाहिए। गल वस्त्र रहना मतलब क्या? हम हर समय वैष्णव के अनुगत्य में, ठाकुर जी की अनुगत्य में, उनका दासों के दास का रूप में, ये गल वस्त्र का ये मतलब है। इसलिए गल वस्त्र दाड़ा इव निष्कपटे है, इसलिए दंते तृण करी, इसलिए दांत में तृणिका को दबा करके। तृण मतलब क्या है? तृणांत भी सुनिचे न तर रफी सही सुनोना है। इसलिए वैष्णव का ही लक्षण है, इसे दांत में तृणिका को दबाते हुए दीनहीन भाव से, ये जब वैष्णव के पास में जाता है वो ऐसे ही करता है, दांत में तृणिका दबा कर गले पे गलबे वस्त्र लगा करके, हम तो वैष्णव का दासाओं को दास है। लेकिन जब फिर जाता है ज्ञानियों के पास में ना, जब ज्ञानियों के पास में जाता था बास, वहां पर फिर क्या है? मैं ही अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम वही हो, हैं, सब कुछ ही ब्रह्म ही है। उनके पास में जाए ना वास, उनके जैसे हो जाता था, जो वासिष्ठ को व्याख्या करने लग जाता था, तू जो मैं वही, भगवान से हमसे कोई पार्थक्य नहीं। इसलिए महाप्रभु ने खड़ छाटिया है, खड़ मतलब होता है तिनका, जष्टि मतलब होता है डंडा, खड़ छाटी चट्टी। इसलिए भक्तों के पास में भक्त जैसे, और जब ज्ञानियों के पास में जाती है डंडा, डंडा मतलब क्या? भगवान कहते हैं या क्या करता है, जिसको पास में जाए वो वैसे बन जाता है। डंडा मतलब क्या? भगवान क्या कहते हैं? कहते जो मेरे को निराकार निर्विशेष निर्लिप्त ये कहता है, मेरा कितने सुंदर स्वरूप है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद मोर देह करे खंड खंड। महाप्रभु क्रोधित होकर कह रहे हैं, भले प्रकाश आनंद काशी में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़ा कर रहा है, जिस शरीर को वेद पुराण उपनिषद, मेरे भक्त जिस स्वरूप को हर समय वर्णना करते रहते हैं। ब्रज गोपियां क्या कहती हैं? बराहा पिडम नटवर बपुहु करनयो कर्णिकारम, कितने सुंदर कृष्ण का रूप वर्णना करते हैं, हैं? कहते मथुरा के तीजो पत्नियां क्या कहती हैं? बोले श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल वरा, कितने सुंदर व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? नव मिडते अभ्र बपुसे तड़ितम्बराय। इसलिए जितने, और ब्रह्मा का जो ब्रह्म स्तुति है, चिंतामणि प्रकर सत्म ईश्वर आदि, हैं, ईश्वर आदि पुरुषम तमहम भजामि श्यामम, कितने सुंदर सुंदर रूप शास्त्र में मेरा वर्णना किया है, हैं? भक्त लोग मेरे रूप को आश्रय करते हुए मेरी कथा सुनते सुनते भवसागर को पार कर लेते हैं। लेकिन ये प्रकाश आनंद क्या कर रहा है? भगवान का रूप नहीं, गुण नहीं, निराकार है, है? वही वही ब्रह्म ही अभी ये राम कृष्ण बन करके आए हैं, इनका जितने लीला है सबके सब माई, इनके भी जब मुक्ति हो जाएगी ना, ये भी ब्रह्म में लीन हो जाए। कहते इससे बड़ा निंदा कुछ नहीं। इसलिए कहते वो जो मेरी स्तुति करते हैं, महाप्रभु कहते जैसे किसी शरीर में तीर मारते हैं, कहते जैसे तीर मारना, क्यों? जो मेरे नित्य सत्य स्वरूप को तो मानते नहीं, फिर मेरी स्तुति क्या करते हो तुम, हैं? इसलिए मानो
मेरे शरीर में डंडा मारते हैं, मेरे शरीर को डंडे मारते हैं, इसलिए बोले खड़ जष्टि है। भक्तों के पास में जाए तो त्रिनाद भी सुनिचन, हाँ, और जिस समय जाता है ज्ञानियों के पास में मेरे को डंडा मारता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं कभी कृपा नहीं करता। ये खड़ जाटिया है, जिस दल में जाए वैसे दल के बन जाते हैं। इसलिए इसलिए नियम क्या है, इसलिए ऐसे नहीं जिस दल में जाओ उसी दल का बन जाओ, है ऐसे नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु कहते ऐसे व्यक्ति को मैं कभी कृपा नहीं करता हूं, इसलिए मैं उसका दर्शन नहीं दूंगा। महाप्रभु मना कर दिया। मुकुंद तो इतना दुखी, इतने दुखी हो गए। फिर उन्होंने बोले महाप्रभु को थोड़ा प्रश्न करो, क्या कभी मेरे ऊपर में कृपा करेंगे? नहीं, ना कभी करेंगे, इतना पूछ लो। जब श्रीवास ने आकर बोले प्रभु मुकुंद कह रहे हैं, कह रहा है कभी उसको ऊपर क्या कभी कृपा करोगे? नहीं। महाप्रभु बोले हाँ करूंगा, लेकिन करोड़ों जन्म के बाद में। कितने जन्म के बाद में? करोड़ों जन्म के बाद में कृपा करेगी। बस इतना मुकुंद सुनते ही मुकुंद संचित हैल परानंद सुखे पाइब बोली करे महानृत्य। जब सुना महाप्रभु बोले करोड़ों जन्म के बाद में महाप्रभु कृपा करेंगे, इतने खुश हो गए। इसलिए मुकुंद सिंचित हैल परानंद सुखे, ए परम आनंद से प्रसन्न हो गए। पाई वो बोली करे महानृत्य, मेरे को जरूर मिलेगा। नाचने लग गए, हैं जब नाचने लग गए इतने में इसको सुन करके ना महाप्रभु तो बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, हैं खुश हो करके बोले पास मुकुंद को ले आओ, मुकुंद को ले आओ, उसको सारे अपराध खत्म हो गया, उसको सारे अपराध खत्म हो गया, उसको लेकर के आ जाओ। हैं तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं, तो ये मुकुंद क्यों प्रसन्न हो गया, कारण क्या है? बोले कारण है, कहते जो लोग भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, जो साजुज जो मुक्ति, साजुज मतलब क्या है, वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। मिल जाने पर क्या होता है, उसमें फिर चिरकाल के लिए भगवान जो हमारी सेव्य और हम उनका सेवक जो भावना है ना, चिरकाल के लिए ये खत्म। फिर जैसे एक चींटी गुड़ खाने के लिए गया, जैसे एक चिट्टा गुड़ होता है ना, पानी पानी गुड़ है, लेकिन वो चींटी कब वो गुड़ का आस्वादन करेगा, जब गुड़ से अलग रहेगा। अगर वो चेटी अगर गया गुड़ खाने के लिए और वो गुड़ में लिपट करके उसमें खत्म हो गया, फिर खा पाएगा कभी गुड़ का आस्वादन? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे इस चीज को अच्छे तरह समझो, जैसे आपका सर में एक फोड़ा हुआ है, एक फोड़ा हुआ, फोड़ा हुआ तो किसी डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब सर में फोड़ा हो गया, बड़े दर्द हो रहा है। बोले भैया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सर है इसलिए तो दर्द हो रहा है ना, काम करो गला काट दो, गला को उड़ा दो, काट दो, है बस सर रहेगा नहीं दर्द नहीं होगा। बोले ये क्या करे, सर भी उड़ा दो। तो उन्होंने और एक डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब सर में फोड़ा हो गया, दर्द हो रहा है, क्या करनी चाहिए? बोले कोई चिंता मत करो, आ जाओ मैं गोली दबा दे देता हूँ और ये पक जाएगा, फिर मैं ऑपरेशन कर दूंगा, थोड़ी सी लगेगा, है बैंडेज कर लूंगा, 2-3 दिन बाद में फिर सही हो जाएगा। बोले भैया ये डॉक्टर सही डॉक्टर है, वो तो कह रहा था गला ही काट दो। हाँ इसका मतलब है, ये चीज को समझो, इसका मतलब है जो साजुज जो मुक्ति है, कहते हम इस संसार में हम आए क्यों, कारण क्या? बोले कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तर दे संसार आदित्य। चूंकि हमने भगवान की भजन भूल गए, भगवान की भक्ति छोड़ दिया, इसलिए उनको बहिरंगा शक्ति ने क्या किया, दुर्गा ने ये संसार रूपी दुर्ग बनाया, जिसमें जन्म मृत्यु दुख कष्ट आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा दुख दुख में भर दिया। कारण क्या है, चूंकि हम भगवान की भजन छोड़ दिए इसलिए इस दुर्गा ने दुर्ग बनाया। फिर क्या करो, है केंद्र बोले वही कृष्ण अमितव दास तुम्हार चरण छाड़ी है नो सर्वनाश। जब इस संसार में आकर दुख कष्ट को भोग करे, दुख कष्ट भोग करे, कभी नरक जाए कभी है स्वर्ग जाए, कभी मरते जगत में आए, कीड़े मकोड़े संसार भ्रमण करते 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 जब ये समझ जाए इस संसार में दुख ही दुख है, केंदे बोले ओहे कृष्ण अमितम दास, जब ठाकुर जी के चरण में जाए, बोले ठाकुर जी हम आपका दास है, तुम्हारे चरण छाड़ी हैला सर्वनाश, तुम्हारी चरण छोड़ने का वजह से
ये सर्वनाश हुआ, संसार में हम दुख भोग कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारे अपराध को माफ कर दो। भगवान बोलते मैं इतना ही चाह रहा था, पिताजी की अथा संपत्ति, पिताजी की है रस वैसा रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवति, जो आनंदमय है, जो रसमय है, हैं विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में क्या कहते हैं, जब जीव भगवान को भूल करके माया में आकृष्ट होकर के भगवान की भक्ति छोड़ करके जब माया की तरफ में चले जाती है, भगवान क्या करते हैं उसको पीछे पीछे भागते हैं, उसको पीछे पीछे भागते रहते हैं, हैं? भगवान क्या चाहते हैं, एक बार ये मेरे तरफ में एक बार झांक कर देखे तो सही, लेकिन हम भगवान के तरफ में दिखना ही नहीं चाहते, बस हम तो माया 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 को विजय देखते रहते हैं। लेकिन भगवान दुखी क्योंकि वो पिता है ना, तुम्हें वो माता चो पिता, तो वो हमारे पिता है, कोई पिता नहीं चाहता है मेरे बच्चे दुख कष्ट भोग करे। लेकिन अगर केवल जीव अगर दुख कष्ट भोगे, पिताजी अथाह संपत्ति का मालिक अगर जब माया की ठोकर खा खा करके अगर ये समझ जाए संसार में कोई सुख नहीं है, अगर एक बार भगवान के पास में आए केवल इतना बोलते एक्सक्यूज मी बस इतना ही बोलते, भगवान बोले कि बेटा मैं तो यही चाह रहा था तुम मेरे पिते संतान हो, अथा आनंद की संपत्ति मेरे पास में, लेकिन तू मेरे को भूल करके दुख कष्ट भोग कर रहा था, मैं इतना बोल रहा था, इतना बोल दे एक्सक्यूज मी, बस भगवान बेटे को फिर अपना गोद में भर लेते। भगवान केवल इतना चाहते और कुछ नहीं चाहते हैं, इतना ही चाहते केवल भगवान हैं। इसलिए इसमें ये बता रहे हैं, कहते जीव जो भगवान की नित्य दास जो सेवक है, लेकिन इसमें क्या होता है सेवक सेवक और भक्त भक्ति भगवानी, जो तीनों है त्रिपुटी विनाशक, ये त्रिपुटी भक्ति भक्त भगवान तीनों, हाँ हमें क्या बता रहा था जो फोड़ा हुआ है, इसलिए जो फोड़ा हुआ है इसलिए हम संसार में आए कि भगवान को भूल गए, इसलिए संसार में आए दुख कष्ट वो कर रहे हैं इसलिए। लेकिन उनका क्या, उनको क्या फिलोसफी मायावादियों का ब्रह्मवादियों का, सर में फड़ा हुआ है ना, इसलिए क्या करो गला ही काट दो, बस गला काट दो तो नरेगा, बस न बजी बसूरी, सर है इसलिए दर्द करे, इसलिए क्या करो संसार में दुख कष्ट है ना जाओ तुम ब्रह्म में ही लीन हो जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ। लीन होने से क्या होता, पत्थर जैसे सैन से हीन होकर के, जैसे एक व्यक्ति शराब पी करके बेहोश होकर पड़ा रहता ना, वो वही है। इसलिए यहाँ पर कहते सिद्धा ब्रह्म सुख मग्ना दत्यास हरिणा हता, भगवान के हाथों से जो मरते हैं वो लोग क्या होता है ब्रह्म सुख में, उसमें डूब करके जैसे एक शराब पी करके बेहोश होकर पड़े रहते हैं, वो ऐसे ही बेहोश होकर पड़े रहते हैं है? इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं नरक बाछाए तब वो साजो जना चाहे, कहते प्रभु हमारे नरक हो जाए, हम नरक जाना चाहते लेकिन ये साजु जो मुक्ति हम नहीं चाहते। बोले क्यों, बोले जीव जब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है ना, भगवान जो आनंद रस स्वरूप, एक दिन ये जीव वो रस को प्राप्त कर सकता है, चिरकाल के लिए वो सुख से वंचित हो जाता है, वो सुख से चिरकाल के लिए वंचित हो जाता है, पर रस बस कुछ नहीं मिलता है। इसलिए श्री रामानुज आचार्य वो कहते हैं हम बीच में खड़े हुए, एक तरफ में एक मायावादी ब्रह्मवादी सन्यासी जो भगवान को निराकार मानते हैं, एक तरफ में एक शेर है, हम बीच में किधर जाओगे मतलब वो कहते हैं तुम किधर जाओगे, बोले शेर का तरफ में जाऊंगा लेकिन ऐसे साधु का तरफ में नहीं जाऊंगा, ये चीज को समझो। बोले क्यों, कहते अगर ये शेर खा जाएगा तो एक जीवन हमारा बर्बाद होगा, उसको बाद में फिर तो मानव जन्म मिलेगा, फिर तो संतों का भक्तों का संग मिलेगी, फिर तो हमें भक्ति मिल सकती है, लेकिन ये व्यक्ति को साथ में संग होगा तो चिरकाल के लिए भक्ति से तुम विच्युत हो जाओगे। इसलिए खबरदार, इसलिए शंकर दोष नहीं से आज्ञाकारी दास, तार भाष्य जे पड़े तार है सर्वनाश, इसलिए महापुरुष स्वयं कह रहे हैं, बोले शंकर जी का दोष नहीं है, वो तो आज्ञाकारी दास है, वो भगवान का आदेश को पा करके उन्होंने ये ब्रह्मवाद को स्थापन किया है, लेकिन तार भाष्य जे पड़े तार है सर्वनाश, लेकिन उसको भाष्य जो पढ़ लेता है ना, बस वो ऐसे ऐसे जुक्ति तर्क दिया ना, दिमाग खराब कर देगा, बड़े बड़े व्यक्ति भी पढ़ पढ़ करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए बोले भैया इनका भाष्य को नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए कहते ये मुकुंद क्यों प्रसन्न हुआ, तब प्रभुपाद यही चीज को समझा रहे हैं,
ये मुकुंद क्यों प्रसन्न हुआ? इसलिए प्रसन्न हुआ, महाप्रभु बोले करोड़ों जन्मों के बाद में मेरी भक्ति तुम्हें मिलेगी, दर्शन मिलेगा, इसलिए मुकुंद यह प्रभुपाद कह रहे हैं मुकुंद इसलिए खुश हो गया। बोले भैया मैं तो खड़झटिया है ही हूँ, जिसके दल में जाता हूँ वैसे हो जाता हूँ, लेकिन महाप्रभु तो करोड़ों जन्मों के बाद में भले ही कीड़े मकोड़े बनते रहे कोई बात नहीं, लेकिन करोड़ों जन्मों के बाद में महाप्रभु का दर्शन कृपा मिलेगी, ये भक्ति रस हमें प्राप्त हो सकता है ना, मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु बोले ना ये तो कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी नीतम च सत्य सत्य स सत्य व्रत सत्य नेत्रे सत्यम परम धीमही। वो परम सत्य जो बोलते हैं वो जरूर सच होगा ही, इसलिए मुकुंद एकदम हाथ उठा उठा कर नाचने लग गए, हैं नाचने लगे महाप्रभु हैं जरूर कृपा करेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु बोले देखो तुम मेरे नित्य परिकर हो, क्योंकि महाप्रभु जिनका कीर्तन सुन करके प्रसन्न होते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहवतरी, वो पूरा धाम परिकर को लेकर आते हैं। मुकुंद महाप्रभु का नित्य परिकर है, जिनका कीर्तन सुन करके महाप्रभु नृत्य करते हैं, है प्रसन्न होते हैं। कहते भैया इनका कभी महाप्रभु बोल सकते हैं कभी इनके लिए? ऐसे नहीं, ये हमको शिक्षा दिया है, इसलिए खबरदार खड़झाटिया मत बनो, भक्तों के पास में जाओ भक्तों, ज्ञान के पास में जाओ ज्ञानी, कर्मी योगी जिसको जाओ उसी दल में घुल मिल जाओ। महाप्रभु यहाँ शिक्षा देते खबरदार ऐसे नहीं करनी चाहिए, भक्तों को साथ में रह करके केवल भक्ति रस को ही पान करते रहो, इसमें ही जीव का कल्याण है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मुकुंद की। हम कल सुनेंगे प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात इस विषय पर, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे। हाँ देखा एक अनाउंसमेंट है जो कल से है ना, गोपाल से सुन लो। इसलिए कल है यहाँ पर एक भक्तों ने जैसे ठाकुर का जो कपड़ा दिया ना ठाकुर, और इसको अच्छा सुन सर, इसलिए ठाकुर का जो जगन्नाथ मंदिर के लिए जो कपड़ा दिया है ठाकुर जी के लिए, एक भक्त ने दिया है विदेश से, यूरोप से, हॉलैंड से दिया है, इसलिए और कुछ प्रसाद के लिए भी उन्होंने कुछ प्रसाद पैसा दिए हैं, इसलिए इसलिए उनको उनको कुछ पूर्वजों का है, कहते हैं कि पितर दोष होता है, पितर दोष मतलब है जिनका पूर्वज लोग प्रसन्न होते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, वो संसार में लोग फलते फूलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी पितर दोष कभी कभी होता है, अगर पितर लोगों का भी अगर दुख कष्ट हो संसार में शांति सुख नहीं मिलता है, इसलिए कहते इसलिए नियम है पितर लोग का कल्याण कैसे होता है, कल्याण होता है भागवत कथा से, जैसे धुंधुकारी है जो भागवत कथा सुने उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण करते हुए भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए कहते पितर दोष है संसार में शांति सुख के लिए कभी कभी उनको भागवत कथा सुनाओ तो सुनाने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है, घर में शांति सुख रहती है। इसलिए किसी ने कुछ ज्योतिष ने कहा अगर भागवत कथा अगर पितर लोग को सुनाओ वो शांति अगर रहेगा तो हम भी संसार में शांति सुख रहेंगे। इसलिए किसी एक भक्त ने जो ठाकुर को कपड़ा दिया है उनकी है उनका पितर लोग का शांति सुख के लिए कल से हम लोग यहाँ भागवत कथा करेंगे, शाम को 4 से लेकर के आरती पहले तक है, आरती 6:30 तक हम कथा करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे भागवत का जितना प्रसंग है उसको संख्या में उसको कोशिश करेंगे सुनने के लिए, इसमें मैं भी कुछ कथा सुनाऊंगा, महाराज भी कुछ कथा सुनाएंगे, और हमारे निष्किंचन महाराज है बीच बीच में, आप भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करना जितना संभव हो थोड़ी थोड़ी कथा सुनाने के लिए, आप भी कोशिश करना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 7 दिन तक ये 4 से लेकर के 4 बजे से सबके सब, हाँ इसलिए सबके सब बीच बीच में कीर्तन करेंगे बीच बीच में, हाँ इसलिए एकदम 4 बजे तो शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है ना, 4 हाँ इसलिए 4 बजे सबके सब आ जाना, कीर्तन करने वाले सबके सब एकदम पहले आ जाना, कौन तो आप तो ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, हाँ इसलिए जो लोग यूट्यूब में देख रहे हो कल जो मैं शाम को 8 बजे कथा करता हूँ 7 दिन तक ये 8 बजे कथा नहीं होगी, और ये 4 बजे से हम कोशिश करेंगे भागवत कथा सुनाने के लिए, मैं बुधायन महाराज जी निष्किंचन महाराज जी और अगर कोई वैष्णव लोग आएंगे तो हम लोग भागवत कथा सुनेंगे 4 से लेकर के कितना बजे तक, 6:30 बजे तक कथा सुनाएंगे। इसलिए ये भागवत को बताया, ध्यान देकर सुनो, भागवत को बताया ये निगम कल्प तरूर
कलित फलम। कहते सारी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले कुछ भी आप मांगो। इसलिए पद्म पुराण में श्लोक में बताया, निर्धन को धनी प्रदान करता है, निसंतान को संतान, दुखी को सुखी, रोगी को निरोगी, और जो भक्ति को भक्ति, कैसे अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदार धी। इसलिए ऐसे कोई चीज नहीं ये भागवत जो हमें प्रदान नहीं करती है। अगर नियम पूर्वक भागवत कथा सुना तो भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति हमें भागवत कराती है। क्यों? भागवत ये भगवत स्वरूप, कृष्ण स्वरूप है। इसलिए हम लोग 7 दिन तक रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, समझो जगन्नाथ जी रथ यात्रा है, इसलिए उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या करेंगे, 7 दिन तक ये श्रीमद भागवत कथा सुनेंगे, ठीक है। और इसमें भी जो देश विदेश में जो लोग हैं, मैं उनको भी बोल दूंगा, वो सुनना चाहे तो वहीं से सुन सकते हैं। अगर कोई ट्रांसलेशन करे, अनुभव ट्रांसलेशन कर ले जो मुझे तो कहीं भी, यदि विदेश में लोग बन कहीं भी यदि कहीं सुनाती ताले, यदि ट्रांसलेशन करो से मन से बसी बसी सुन करी, यदि ट्रांसलेशन कर दो, ठीक है जी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा देवी जय सुदर्शन जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गुरु जय गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव जय प्रभु 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 जय प्रभु पद जय प्रभु पद कपार्षद जय प्रभु पद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय नितलीलाभक्तिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय नितलीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंद हरि बंद कर दो ये बताओ ये अभी